मैं हूँ स्वाति पारसर और आज बनाने वाले हैं हम दाल मखनी। इंडिया में आपने देखा होगा कि कोई भी बड़े रेस्टोरेंट हो या छोटा रेस्टोरेंट हो या ढाबा हो, दाल मखनी बहुत फेमस है और अधिकतर लोग इसे ज़रूर खाते हैं। तो आज हम वही दाल मखनी बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। और तो मैं ये बता दूँ इसमें कि कौन सी दाल लगेगी। तो ये देखिए, ये कटोरी का नाप लिया है मैंने, तो डेढ़ कटोरी करीब मैंने ये खड़ी उड़द है, जो काली दाल होती है, इसे कुछ माँ की दाल भी कहा जाता है इसे। ये देखिए, ये काली होती है, लेकिन इसे मैंने 4-5 बार अच्छे से पहले धोइए ज़रूर, उसके बाद भिगो दिया था मैंने इसे, तो कम से कम 15 घंटे मैंने इसे भिगोया है। अच्छे से भिगोइए और ये देखिए कलर इसका देखिए कैसा हो गया है बिल्कुल। और काली ही दाल लेना है अपन को, उड़द की जो मतलब जो कहना चाहिए कि खड़ी उड़द होती है उसको बोलते हैं, वो लेना है आपको। ये देखिए, तो इस पानी को भी हम फेंक देंगे। और ये राजमा लिया है मैंने, आधी कटोरी इससे राजमा लिया है, डेढ़ कटोरी दाल ली थी मैंने और आधी कटोरी राजमा लिया। राजमा अगर आप नहीं डालना चाहते तो आधी कटोरी आप चने की दाल भी ले सकते हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। आज जब मैंने आपको दिखाया था वो पानी फेंक दिया और दो पानी से फिर धोया। ये देखिए आप इसमें शाइनिंग कितनी अच्छी आ गई। जो दाल है, जब भी आप इसे भिगोएं, जब 15 घंटे के पहले जब आपसे मैंने बोला आपको भिगोया था जब मैंने इसे, तो कम से कम 4 पानी से धोइए, बहुत काला काला पानी निकलता है, नहीं तो दाल में जो टेस्ट नहीं आएगा और दाल का कलर भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए पानी मैंने इसका फेंक दिया और कुकर में मैंने 1 लीटर पानी रख दिया है। तो कुकर में मैंने 1 लीटर करीब पानी डाल दिया है और पहले से पानी चढ़ा दिया था, तो पानी अच्छा उबल गया हमारा। और अब हम इसमें ये दाल डाल देते हैं और अब इसमें ये राजमा जो भिगोए थे वो डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच जो है हल्दी पाउडर है, 1 छोटा चम्मच नमक है, ये डाल के इसमें हम कम से कम इसका ढक्कन लगा देते हैं और 3 सीटी आने तक इसे पकाएंगे और फिर 5 मिनट सिम में करके रख देंगे। देखिए 3 सीटी हो गई थी इसमें और 5 मिनट मैंने इसको सिम में रखा। तो अब हम इसे देख लेते हैं, और ये ठंडा भी हो गया है थोड़ा, और इसे हम देख लेते हैं कि दाल हमारी पक गई है या नहीं। दाल हमारी अच्छे से पक गई है ये, और अब हम बघार की तैयारी करते हैं और इसे अच्छे से देखते हैं चला के। तो ये इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, बाद में गर्म पानी कर लेंगे और पानी डालेंगे। चढ़ा दिए और अब हम बघार के लिए, दाल के बघार के लिए डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी, 2 घी हमारा गरम हो गया है, और ये 2 बड़े साइज के प्याज थे जो बिल्कुल मैंने बारीक काट लिए हैं, और ये जो 8-10 कली लहसुन और 2 इंच अदरक का टुकड़ा था इसे मैंने पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है, और ये 2 हरी मिर्च है बारीक काट ली है। तो इसमें घी गरम हो गया और इसमें हम डाल देते हैं ये प्याज। तो ये देखिए दाल को हमें अच्छे से मिलाना है, और ये देखिए तो गाढ़ी है दाल हमारी। तो थोड़ा सा हमने 1 कटोरी पानी, जिसमें मिक्सी के जार में मैंने टमाटर वगैरह पीसा था, वो पानी गरम कर दिया है। पानी आप गरम ही मिलाइए इसमें, नहीं तो ठंडा पानी बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा पानी और दाल। तो बस इतना ही पानी मिलाएंगे हम इसमें, और आप इसको जितना भी जैसा रखना चाहते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा पसंद करते हैं तो पानी ज़्यादा मत डालिए। तो देखिए प्याज हमारा अच्छे से भुंज गया है, एकदम कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही भूजना है हमें प्याज को। और ये देखिए अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये डाल देंगे। अब इसे भी अच्छे से भून लेना है हमको, और ये हरी मिर्च बारीक कटी हुई जो है वो डाल देते हैं। लो फ्लेम में अच्छे से भूजिए इसे चलाते हुए। तो 1 छोटा चम्मच डालेंगे लाल देगी मिर्च, और ये जो है टमाटर, 4 बड़े साइज के टमाटर थे जिसे मैंने मिक्सी के जार में पीस लिया है, और ये डाल देंगे तुरंत।
टमाटर डालने के बाद ही हम एक चम्मच नमक डाल देते हैं। एक चम्मच नमक हमने जब दाल पक रही थी तब डाला था, तो ये लो फ्लेम में हमने इसको भूंजा है, तो इसमें 15 मिनट करीब हो गए हैं। इसमें ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम में भूंजा है हमने इसे, और ये अच्छे से भूंज गया है। और अब इसमें हम डाल देंगे दाल, तो अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं और इसे कम से कम और 10-12 मिनट उबलने देंगे इसे हम, और फ्लेम जो अभी हाई कर देते हैं। और इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले, तो एक चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, एक चम्मच हम गरम मसाला, और एक छोटा चम्मच डाला है हमने गरम मसाला, और एक छोटा चम्मच जो है जीरा पाउडर है, ये भुना हुआ जीरा है उसका पाउडर है। तो इसे हमें क्या करना है, आप थोड़ा सा मथनी से या कुछ ऐसे मोटा हो चम्मच ऐसा हो जिसका पैदी वजन वाला हो ऐसा, तो उससे दबाते हुए ऐसे इसको, पंजाबी में इसे कहते हैं काढ़ना, जितना कढ़ेगी ये दाल उतनी ही टेस्टी बनती है। तो हमने तो कुकर में बना लिया, भट्टियों में बनती है, रेस्टोरेंट में, होटलों में, बड़े बड़े जो होते हैं उसमें क्या होता है कि भट्टियों में चढ़ी रहती है और घंटों चढ़ी रहती है तब बनती है। तो हमने जल्दी से तैयार कर ली, टाइम थोड़ा सा और दालों की अपेक्षा लगता है इसमें, लेकिन बनती बहुत टेस्टी है ये, तो इसे ज़रूर बनाइए आप। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो ये धनिया डाल देते हैं थोड़ा सा भी, जब तक उबल रही है तो इसमें फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। इसे चलाते रहना है, दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है, 10 मिनट हो चुके हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे मक्खन, तो अब इसमें हम डालेंगे मक्खन और इसे अच्छे से मिला देंगे। और अब इसमें लगाएंगे एक तड़का हम, तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने छोटा पैन चढ़ा दिया है और इसमें थोड़ा मक्खन डालेंगे हम। मक्खन को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस थोड़ा सा पिघलाना है, और पिघलाने के बाद ही हम क्या करेंगे, इसमें कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा पिघल गया है ये, और बस गैस को बंद कर देते हैं और साथ में ये कसूरी मेथी भी डाल देते हैं। बस अब ये दाल में डाल देते हैं, तो ये देखिए कितनी बढ़िया और कितनी सुंदर दिख रही है दाल हमारी। और आप भी ऐसे ही बनाइए दाल, बहुत टेस्टी बनती है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।